हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर ईएसआई डिप्टी डायरेक्टर एग्जाम। और जो आज के लिए टॉपिक उठाया है वो मैंने उठाया है बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज रिलेटेड टू बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और अगर आपको याद हो तो हम पिछले सेशन से करके आ रहे हैं कि हम टॉपिक वाइज सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करी जा रहे हैं ताकि कोई भी टॉपिक आपका स्किप ना हो और एग्जाम के टाइम पे आपके लिए अकाउंटिंग सेक्शन जो होगा बहुत ही इजी होएगा और इसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं हमारे चैनल पे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि जो भी सेशंस हमारे अपलोड हों या लाइव सेशंस हों उनकी नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाए। अगर आपको कोई डाउट्स पूछने हैं, डाउट्स पूछने के लिए या और रेगुलर अपडेट रहने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे ईएसआई डिप्टी डायरेक्टर अनु जिंदल के नाम से चैनल है, वहां पे आप मुझसे अकाउंट से रिलेटेड कोई भी डाउट्स पूछ सकते हैं और कोई भी डाउट ईएसआई एग्जाम से रिलेटेड बाकी फैकल्टीज भी उसका रिप्लाई करेंगी। और अगर आप अपनी जो स्टडी है उसे बूस्ट करना चाहते हो या सेल्फ स्टडी से ज्यादा ऊपर काम करना चाहते हो तो जल्दी से anujindal.in पे जाइए और ईएसआई डिप्टी डायरेक्टर एग्जाम पे जाके एनरोल कर लीजिए। अब चले अपने एमसीक्यू क्वेश्चंस की ओर। तो पहला क्वेश्चन हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट is prepared to ascertain the causes of difference between। सबसे सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का पर्पस क्या है, मतलब किन दो अकाउंट्स के बीच में डिफरेंस आता है तब हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। तो एक बार ऑप्शंस को रीड कर लेते हैं। ऑप्शंस क्या है? बैलेंस एज शोन बाय द कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक विद द बैलेंस ऑफ द पासबुक। बैलेंस ऑफ द पासबुक का मतलब क्या हो गया? जो बैंक की पासबुक होती है हमारी, अगर बैंक में याद हो तो बैंक में पासबुक होती है या हम स्टेटमेंट्स निकलवाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो बैलेंस है वर्सेस या डिफरेंस किसका? कैश कॉलम ऑफ कैश बुक। सेकेंड ऑप्शन क्या है? बैलेंस एज शोन बाय द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक विद द बैलेंस ऑफ द पासबुक। तीसरा ऑप्शन क्या है? बैलेंस एज शोन बाय द कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक विद द शोन बाय इन द बैंक कॉलम। और लास्ट ऑप्शन क्या है? लास्ट ऑप्शन क्या है? बैलेंस एज शोन बाय द चेक बुक और पासबुक। तो इन चारों में से कौन सा आंसर हमारा मोस्ट करेक्ट है या कौन सा करेक्ट आंसर है? किन के बीच का डिफरेंस में हम सॉल्व करते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में? क्या आंसर रहेगा इसका? इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्या करते हैं हम, ध्यान से सुनना, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्या करते हैं? जो हमारा पासबुक में बैंक अमाउंट होती है, जो पासबुक में अमाउंट आ रही होती है और जो बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में अमाउंट होती है, अगर वो हमारी अलग अलग आ रही है तो उसके बीच का डिफरेंस जानने की कोशिश करते हैं हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। अगर आपको रिवाइज करा दूं एक बार कि देखो होता क्या है, हम अपनी जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, जर्नल एंट्रीज में हम कैश बुक बनाते हैं, एक बार इसे रिवाइज करूं, जर्नल एंट्री में हम कैश बुक बनाते हैं, कैश बुक में एक हमारा कैश कॉलम होता है, एक बैंक कॉलम होता है, यही होता है, एक कैश कॉलम एक बैंक कॉलम। अगर हम बात करें कि देखो कैश कॉलम का जो बैंक कॉलम का अमाउंट है वो किसके इक्वल होना चाहिए? जितना पैसा हमारे बैंक में पड़ा है उसका मतलब वो होना चाहिए। लेट सपोज मेरा बैंक कॉलम दिखा रहा है कि मेरे पास 5000 रुपीस बैंक में पड़े हैं, लेकिन जब मैं एक्चुअली बैंक में जाता हूं और चेक करता हूं तो मेरे पास 5000 रुपीस नहीं होते, लेट सपोज वहां पे 4000 रुपीस होते हैं बैंक में। अब मेरी जर्नल एंट्री जो बता रही है कि मेरे पास जो बैलेंस होना चाहिए या बिजनेस में जो बैलेंस होना चाहिए बैंक में वो 5000 रुपीज होना चाहिए, लेकिन जब मैंने एक्चुअली चेक किया बैलेंस बैंक में जाके, या फिर मैंने चेक किया कि पासबुक में जो अमाउंट दिखा रही थी वो दिखा रही थी 4000 रुपीज बैलेंस है,
तो ये जो डिफरेंस आया 1000 रुपीज का, ये क्यों आया, ये हम असर्टेन करते हैं कहां पे, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में। याद आ गया कि भाई जो बैंक जर्नल एंट्रीज में जो हमने बैंक अकाउंट लिखा है उसकी जो अमाउंट हो गई, और जो एक्चुअली में बैंक में पैसा पड़ा है उसकी अमाउंट हो गई, अगर वो अलग अलग आ रही है तो उसके रीजंस को हम लिखते हैं और शो करते हैं बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में। अब कईयों का क्वेश्चन अराइज होगा जो पहली बार देख रहे होंगे, सर ये बैंक रिकंसिलेशन इन दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा ही क्यों, जिन्होंने लेक्चर्स नहीं लिए और वो डायरेक्ट एमसीक्यू अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उनके माइंड में छूटते ही क्वेश्चन आएगा कि सर इन दोनों के बीच में डिफरेंस आएगा ही क्यों। तो अब मैं 2-3 एग्जांपल ले लेता हूं जिससे आपको पता चल जाएगा क्यों डिफरेंस आया, ध्यान से सुनना। अब लेट सपोज मेरे बैंक में भी शो कर रहा है 100 रुपीज है मेरे पास और बैंक में भी 100 रुपीज है। अब हर साल बैंक हमें इंटरेस्ट देता है हमारे पैसों पे। लेट सपोज बैंक ने मुझे 5 रुपीज इंटरेस्ट दिया, 5 रुपीज इंटरेस्ट दिया तो मेरे बैंक में कितना पैसा हो जाएगा, 105 रुपीज हो जाएंगे। अब जो 5 रुपीज इंटरेस्ट दिया मेरे बैंक में, बैंक करेगा क्या, सिर्फ मेरे को एक मैसेज भेज देगा कि आपका इतना इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है, यही होगा। ये तो है नहीं, वो मेरे घर पे आएगा या बिजनेस के ऑफिस में जाएगा और वहां पे हमारी जर्नल एंट्री में पास करेगा। अब ये तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इसे जर्नल एंट्री में भी पास करें। वहीं अगर कहीं ये स्किप हो जाता है और जर्नल एंट्री में पास नहीं होता तो इस वजह से हुआ क्या, इनके बीच का डिफरेंस आ गया। समझ आई? अब एक एग्जांपल और ले लेता हूं। देखो मान लो मेरे पास बैंक में मैंने मेरे अकाउंट जर्नल में शो रहे थे बैंक में 100 होने चाहिए और 100 थे। अब लेट सपोज मैंने 20 रुपीज का किसी को चेक दिया, मैंने अपने किसी क्लाइंट को या जिसको पैसे देने थे सप्लायर, उसको 20 रुपीज का चेक दिया। मैंने जब 20 रुपीज का चेक दिया तो मैंने अपने जर्नल में से 20 रुपीज माइनस कर लिए होंगे तो मेरे बैंक में बैलेंस कितना शो हो रहा होगा, 80 रुपीज। अगर सप्लायर वो चेक लेके बैंक में गया ही ना 4-5 दिन और डेट चेंज हो गई या मंथ चेंज हो गया या ईयर चेंज हो गया या उससे चेक मिसप्लेस हो गया, उस केस में क्या होगा, मेरा बैंक अभी भी शो कर रहा है 100 रुपीज लेकिन मेरा जो जर्नल शो कर रही है वो 80 रुपीज कर रही है। देखो डिफरेंस आ गया ना। तो ऐसे कई सारे रीजंस होते हैं जिनके वजह से हमारे जो जर्नल में बैंक बैलेंस होता है, मतलब जर्नल में जो अमाउंट दिखा रही होती है बैंक में वर्सेस जो बैंक में एक्चुअल अमाउंट पड़ी होती है जो कि हमारी पासबुक शो करती है, उनके बीच का डिफरेंस आ जाता है। उस डिफरेंस को ही हम कहां देखते हैं, उन्हें ही कहां रिकॉर्ड करते हैं, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में। ठीक है, अब एक डिफरेंस और ले लेते हैं। जैसे मान लो किसी ने मेरे को 100 रुपीज बैंक में डिपॉजिट कराए, 100 रुपीज थे, किसी डेटर से मुझे अमाउंट आनी थी, उसने क्या करा 50 रुपीज मेरे बैंक में डिपॉजिट कराए और मुझे इन्फॉर्म कर दिया, लेकिन जर्नल एंट्री पास करते वक्त मैंने एरर कर दिया। एरर क्या कर दिया, मैंने 50 की जगह सिर्फ 5 रुपीज ऐड करे, तो अब बैंक में क्या होगा, बैंक में तो मेरे को वो शो कर रहा है 150 लेकिन जर्नल एंट्री में क्या शो कर रहा होगा या फिर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या शो कर रहा होगा, 105 रुपीज। मतलब एरर की वजह से भी, अकाउंटिंग एरर की वजह से भी, हमने देखा था पिछली क्लास में अकाउंटिंग एरर डिस्कस कर रहे थे, उसकी वजह से भी इन स्टेटमेंट्स में फर्क आ सकता है। तो तब भी उसी चीज को रेक्टिफाई करने के लिए या देखने के लिए कि किन किन वजह से डिफरेंस आ रहा है, हम क्या प्रिपेयर करते हैं, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, हल्का सा रिवाइज हो गया। अगर और डिटेल में जाना है तो कोर्स में आपने लेक्चर ले लिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, जो बैंक कॉलम है कैश बुक का। याद रखना बैंक कॉलम की बात होती है, बैंक कॉलम को ही कंपेयर करेंगे ना पासबुक के अमाउंट से, कैश कॉलम को क्यों करेंगे, कैश तो हुआ जो हमारी जेब में पड़ा है, पॉकेट में पड़ा है, ड्रॉअर में पड़ा है। तो जो बैंक बैलेंस है उसको कंपेयर करना है हमें पासबुक के अमाउंट से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड विद द बैलेंस ऑफ। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट किसके बैलेंस से प्रिपेयर किया जाता है, क्या ऑप्शंस हैं, कैश बुक, पासबुक, आइदर कैश बुक और पासबुक या नाइदर ऑफ कैश बुक और पासबुक। मतलब जब हम बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं तो किसके बैलेंस से हम स्टार्ट करते हैं, ये उनका क्वेश्चन है। ठीक है, अगर रिवाइज कराने के लिए एक बार बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का सैंपल दिखा देता हूं आपको। ये मैंने एक सैंपल उठा रखा है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का, क्या है ये देखो, याद हो तो बैलेंस एज पर कैश बुक होता है, बैलेंस एज पर कैश बुक होता है,
है ना, फिर उसमें हम क्या करते हैं, जो चीज ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी होती है वो सब्ट्रैक्ट करते हैं। एक हमारा प्लस वाली साइड होती है, एक कॉलम होता है, और एक कॉलम हमारा माइनस का होता है। जिन्होंने लेक्चर नहीं लिया उनके लिए एक बार के लिए शॉर्ट में रिवाइज करा रहा हूं। देखो होता क्या है, हम सबसे पहले लेते हैं जो हमें बैलेंस दिया होता है, जैसे बैलेंस एज पर कैश बुक, कि मेरे कैश बुक के अकॉर्डिंग मेरे बैंक में कितना पैसा होना चाहिए था, 50,000। मेरी कैश बुक के अकॉर्डिंग मेरे बैंक में कितना पैसा होना चाहिए था, 50,000। अब हम रिकंसिलाई कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में कितना दिखा रहा है बैंक में, 57,600। अब ये डिफरेंस पता कर रहे हो कैसे आया, ध्यान से सुनना बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में क्या होगा। देखो पहली एंट्री क्या दे रखी है, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसका मतलब क्या हो गया, मैंने किसी अपने क्रेडिटर को चेक तो दिया, किसी सप्लायर को चेक तो दिया, मैंने अपने अकाउंट में से माइनस कर लिया था, लेकिन उसने सामने जाके अपने बैंक में या मेरे बैंक में डिपॉजिट नहीं किया चेक। ये वही बात हो गई कि मैंने अपने अकाउंट में से माइनस कर लिया, लेकिन वो चेक लेके अपने बैंक के पास नहीं गया, तो हुआ क्या, मेरे बैंक में से पैसा कटा ही नहीं। तो अब इस केस में होगा क्या, देखो वही एग्जांपल ले लेता हूं 100 रुपीज वाला, कि भाई मैंने तो अपने में से माइनस कर लिए 20 रुपीज, लेकिन मेरे बैंक में से माइनस नहीं हुए। अब इसे रिकनसाइल करना है, तो हुआ क्या, मैंने एक्स्ट्रा 20 माइनस करे हुए थे, अगर रिकनसाइल करना है तो होगा क्या, मैं उस 20 को दोबारा ऐड कर दूंगा, यही होगा। तो हुआ क्या, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट में क्या होगा, हम ऐड कर देंगे वो अमाउंट दोबारा। देखो हम किसका पर्सपेक्टिव लेंगे, कैश बुक लिखा हुआ है ना, तो हम अपना पर्सपेक्टिव लेके चलेंगे कि भाई मैंने माइनस कर दिया था पहले, इसीलिए मेरा जो जर्नल में अमाउंट है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमाउंट है, वो कम हो गई थी, लेकिन बैंक ने अब तक माइनस नहीं किया क्योंकि वो चेक प्रेजेंट नहीं हुआ है, तो अब मैं उसे ऐड बैक कर लूंगा, तो प्लस कर देंगे 6,000 रुपीज। ठीक है, ऐसे अगली स्टेटमेंट देखते हैं। अगली क्या है, डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक। लेट्स सपोज मैंने अपने बैंक का ऑर्डर किया हुआ था, या फिर अब डिविडेंड की अमाउंट हो, जैसे अगर मैंने जो शेयर्स खरीदे हुए हैं, डिविडेंड की अमाउंट डायरेक्टली मेरे बैंक में आ जाती है। अब कई कई दिनों बाद जाके मैं अपनी स्टेटमेंट देखता हूं, तो मुझे पता चलता है भाई हाँ, इस कंपनी ने मेरे को इतने रुपए का डिविडेंड दिया हुआ था। सेम केस क्या होगा, जब वो डिविडेंड आएगा तो मेरी जो अमाउंट है बैंक की प्लस हो जाएगी, वो मैंने प्लस नहीं करी हुई, इस केस में क्या कर लूंगा, प्लस कर लूंगा। बैंक ने एक्स्ट्रा ऐड किया हुआ है, मैंने नहीं किया हुआ, तो मैं क्या करूंगा, ऐड कर लूंगा। फिर अगला देखते हैं, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। इसका मतलब क्या है, मैं बैंक गया, मैंने चेक डिपॉजिट किया, ये लेट सपोज याद हो तो हम कई बैंक्स में वो लगे होते हैं, बॉक्सेस लगे होते हैं, हम उसके अंदर चेक डाल देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। अब जब मैंने चेक डाला तो मैंने घर आके जर्नल एंट्री पास कर दी कि मैंने चेक डिपॉजिट कर लिया, जिससे मैंने अपने बैंक की अमाउंट तो इंक्रीज कर ली है ना, लेकिन एक्चुअली में बैंक ने वो अमाउंट चेक क्लियर नहीं किया। क्लियर नहीं किया मतलब शायद उसने अमाउंट या चेक में कोई प्रॉब्लम आई, उसने अमाउंट को ऐड नहीं किया मेरे बैंक में, तो उस केस में क्या होगा, जो मेरा बैंक बैलेंस है वो ज्यादा दिखा रहा होगा, क्योंकि मैंने देखा कि भाई लेट सपोज 100 थे, मैंने चेक डिपॉजिट किया 50 रुपीज का, तो मेरे अकॉर्डिंग मेरे 150 होने चाहिए बैंक में, लेकिन चेक तो क्लियर हुआ ही नहीं है, तो अभी बैंक में कितने शो हो रहे होंगे 100, तो मतलब मैंने एक्स्ट्रा प्लस कर दिया, मैं क्या कर लूंगा, माइनस कर लूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय द बैंक मतलब बैंक ने कोई एक्सपेंसेस काटे होंगे, जैसे डेबिट कार्ड के एक्सपेंसेस काट लेता है वो, या कोई एसईपी वगैरह के हम जब ऑर्डर्स देते हैं तो उसके चार्जेस काट लेता है, तो जब उसने चार्जेस काटे, हमें एसएमएस किया होगा, हमने जर्नल एंट्री नहीं पास करी होगी, उसने माइनस किया हुआ, हमने नहीं किया हुआ, हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, और जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस ही हमारा क्या होगा, बैलेंस एज पर पासबुक। मतलब इस पूरी स्टेटमेंट को देख के मैं पता लगा सकता हूं कि भाई जो मेरा बैंक का डिफरेंस है और जो मेरे मतलब बैंक बैलेंस है एज पर कैश बुक और जो एक्चुअल में पासबुक के अकॉर्डिंग बैंक बैलेंस है, उसके बीच का डिफरेंस क्यों आया। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या था सर, क्वेश्चन से भटक गए हम, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि बैंक जो बीआरएस है वो किसके बैलेंस से स्टार्ट किया जाता है। देखो मेरे वाले सैंपल में क्या दिख रहा है, हमने स्टार्ट किया है कैश बुक के बैलेंस से और पहुंचे कहां पे हैं, पासबुक के बैलेंस पे। कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट किया और पहुंचे कहां पे है, पासबुक के बैलेंस में। लेकिन जरूरी नहीं है कि हम कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट करें, हम पासबुक के बैलेंस से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और जब पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट करेंगे तो पहुंचेंगे कहां, कैश बुक के बैलेंस में।
देखो एक ही बात है ना, मैं कैश बुक को देखूं और चेक करूं क्या क्या रह गया, या फिर मैं पासबुक को देखूं और देखूं क्या क्या रह गया, होगा तो वही कि हम उल्टी वाली साइड पहुंच जाएंगे। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आइदर कैश बुक और पासबुक। मतलब हम अपना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैश बुक से भी बना सकते हैं और पासबुक से भी बना सकते हैं। ठीक है, आई होप तुम्हें समझ आया होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो जिनको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नहीं बनाना आता वो पहले जाके एक बार बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना सीख लो, क्योंकि मैंने बहुत ही ज्यादा जल्दी बताया है तो उसे ब्रीफली सीखना बहुत जरूरी है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस विल रिजल्ट इन द हायर बैलेंस इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक इन कंपैरिजन टू दी पासबुक। इन सब ट्रांजैक्शंस में से किस ट्रांजैक्शन में हमारा जो हमारा बैंक बैलेंस है कहां पे कैश बुक में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पासबुक। सिंपल करेंगे, मैंने दो चीजें ज्यूम कर ली कि भाई ये लेट सपोज कैश बुक है और ये पासबुक, दोनों में 100-100 है। हर एक ट्रांजेक्शन में देख लूंगा और चेक कर लूंगा किस में हमारा कैश बुक में ज्यादा है, कैश बुक में हायर बताना है ना। पहली ट्रांजेक्शन क्या है? चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजिडेंट फॉर पेमेंट। मैंने किसी को चेक दिया लेकिन उसने पेमेंट के लिए नहीं दिया। देखो जब मैं किसी को चेक दूंगा तो अपने अकाउंट में से माइनस कर लूंगा, लेकिन वो वहां तक तो पहुंचा ही नहीं, मतलब पासबुक में कोई चेंज आया नहीं, तो फाइनल अमाउंट कितनी बची? 80 रुपीज और 100 रुपीज, 20 का डिफरेंस आया। लेकिन इस केस में हो क्या रहा है, हमारा कैश बुक की अमाउंट कम है ना कि पासबुक की, तो ये तो हमारा गलत हो गया। ठीक है, आगे चले। देखो नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक का मतलब क्या है कि बैंक ने कुछ इंटरेस्ट दिया होगा हमें, लेट सपोज 5 रुपीज का इंटरेस्ट दिया, तो इस केस में हमारा बचा कितना टोटल? 100, और बैंक में कितना है? 105। अब इस केस में भी हो क्या रहा है, हमारा कैश बुक छोटा है लेकिन पासबुक की में अमाउंट बड़ी है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हुआ, है ना। नेक्स्ट की और चले। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है बैंक चार्जेस एंटर्ड ट्वाइस इन दी कैश बुक। जो बैंक ने चार्जेस लिए वो ट्वाइस एंटर हो गए, मतलब अगर बैंक ने हमारे से 10 रुपीज काटे थे तो हमने कितने काट लिए? 20 काट लिए, तो इधर हमारा कैश बुक के अकॉर्डिंग बैलेंस है 80 और पासबुक के अकॉर्डिंग बैलेंस है 90, तो इस केस में भी छोटा ही हुआ, तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं हुआ। मतलब ऑब्वियसली हमारा करेक्ट आंसर तो ऑप्शन नंबर डी होगा, लेकिन एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं, तो एक बार डी को भी चेक कर लेते हैं। तो डी क्या कह रहा है? चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड। कि भाई मैंने क्या किया, चेक तो डाल दिया बैंक में कलेक्शन के लिए लेकिन वो भी क्रेडिटेड नहीं हुआ, तो मतलब मैंने तो अपने बैंक में 10 रुपए जोड़ लिए तो टोटल कितने हो गए? 110, लेकिन बैंक ने अभी भी डिपॉजिटेड नहीं माना, वो क्लियर नहीं किया, वो तो बैंक में अभी भी वो सो चल रहे हैं, तो ये अमाउंट ग्रेटर हो गई, ये हायर हो गई, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, चेक पेड इन टू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड। ठीक है, सिंपली हमने चेक कर लेना इजी वे में, एमसीक्यू को अटेम्प्ट करने का तरीका। हम पूरा ज्यादा एक बारी में क्या हो सकता है कि अगर हाँ आप ज्यादा जल्दी सोच पा रहे हो तो आप इसे डायरेक्टली माइंड में भी कर सकते हो, लेकिन अगर हाँ आपके पास एक्सेस टाइम है तो इजिली हम ये प्रैक्टिस करेंगे और हमारा हमेशा आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल टाइप हो गया हमारा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक ऑफ द कस्टमर इज 5500 रुपीज। तो ओवरड्राफ्ट बैलेंस बोला गया है। जिन बच्चों को नहीं पता बता दूं ओवरड्राफ्ट बैलेंस का मतलब क्या होता है। देखो जब आप बैंक के अच्छे कस्टमर्स बन जाते हो तो बैंक आपको एक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। सर ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है? लेट सपोज मेरे बैंक में सिर्फ 5000 रुपीज कैश बैलेंस बचा हुआ है, लेकिन मैं बैंक का रेगुलर कस्टमर हूं और उसने मुझे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे रखी है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या दे रखी है कि हरनीत सिंह लेट्स सपोज 10,000 की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी हुई है,
ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है कि अगर मेरे बैंक में उतना पैसा नहीं भी हुआ तब भी वो पेमेंट कर देगा। सर एक एग्जांपल ले लो, जैसे हुआ क्या, मेरे को पता नहीं था कि मेरे बैंक में सिर्फ 5000 रुपीस पड़े हैं, मैंने 7000 रुपीस का चेक बनाया और किसी को पे कर दिया, 7000 का चेक बनाया और किसी को पे कर दिया। अब होना क्या चाहिए एक्चुअली में कि ये चेक बाउंस कर जाना चाहिए क्योंकि इतनी अमाउंट तो हमारे बैंक में पड़ी नहीं। लेकिन जब हमने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ली होती है तो उसमें क्या होगा, बैंक हमारा ये अमाउंट अप्रूव कर देगा और 2000 रुपीस अपने ऐड करके पे कर देगा, तब हमारा बैंक बैलेंस क्या बच जाएगा कि हमने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ली हुई है 2000 रुपीस की, मतलब हमने बैंक से एक तरह से पैसा लिया हुआ है 2000 रुपीस का, या बोले नेगेटिव बैलेंस चल रहा है बैंक में, तो वो होता है हमारा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ठीक है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक ऑफ कस्टमर इज 5500, मतलब कैश बुक चल रही है कस्टमर की, मतलब मुझे पता है कि मेरा नेगेटिव बैलेंस है, तो कैश बुक अगर मैं BRS बना लूं एक रफ सी प्लस माइनस, मेरे को पता है 5500 नेगेटिव चल रहा है इस टाइम। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट ऑफ 60 एंड अ चेक हैज बीन इशूड फॉर 1350 बट इट इज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, व्हाट विल बी द बैलेंस इन द बैंक पासबुक। तो हमने बैंक पासबुक का अमाउंट निकालनी है, सिंपल है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना लेंगे रफ में जल्दी से। हमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मतलब नेगेटिव दिया गया, आगे क्या बोला गया है, बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 60, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है 60 रुपीस का, मतलब हुआ क्या होगा, ध्यान से सुनना, हम कैश बुक के अकॉर्डिंग सोचेंगे, हुआ क्या होगा, बैंक ने 60 रुपीस माइनस कर लिए होंगे, यही होगा, चार्जेस जब लिए हैं उसने तो बैंक ने जब चार्जेस लिए हैं 60 रुपीस माइनस कर लिए होंगे, लेकिन हमने अभी तक 60 रुपीस माइनस नहीं करे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, 60 रुपीस को माइनस कर लेंगे। मैं ये पूरा नहीं लिख रहा चार्जेस के कारण, ठीक है। फिर आगे क्या बोली गई है, अ चेक हैज बीन इशूड फॉर 1350 बट इट इज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, वही बात, मैंने अपने में से माइनस कर दिया था लेकिन वो पैसा बैंक से नहीं कटा, मतलब मैंने एक्स्ट्रा माइनस कर दिया था, तो अब मैं क्या करूंगा, उसे ऐड कर दूंगा, ऐड कर दूंगा तो कितना आएगा, 1350, तो इनका टोटल देखूं, टोटल कितना आ जाएगा, ये 5560 1350, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 4210, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 4210। अगर किसी बच्चे को ये क्वेश्चन डिटेल में समझ नहीं आ रहा तो एक बार के लिए पहले ही बता रहा हूं कि BRS जाके अच्छे से डिटेल में समझ लेना कि ये न्यूमेरिकल में प्लस माइनस में क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं, वो समझ नहीं आएगा अगर आपने एक बार बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तब भी मैं एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्राई करूंगा कि आपको और ज्यादा डिटेल में समझाने की कोशिश करूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 4210। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक इज रुपीज 5000, चेक डिपॉजिटेड वर्थ रुपीज 2000 रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, फाइंड द बैलेंस एज पर पासबुक। तो सेम लाइन में क्वेश्चन आ गया है, देखो पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया था, कैश बुक का बैलेंस दिया हुआ था और हमें बोला गया था कि पासबुक का बैलेंस निकालो, है ना। अब क्या है, पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है, हमें बोला गया है कैश बुक का बैलेंस निकालो। अब इधर क्रेडिट का मतलब ओवरड्राफ्ट मत समझ लेना, क्यों, बैंक में जब हम पैसा डिपॉजिट कराते हैं और अगर वो पॉजिटिव हो तो वो क्रेडिट में शो होता है, याद हो तो, अगर आप देखो अगर पैसा डिपॉजिट कराओगे तो वो क्या दिखाता है, 5000 रुपीस क्रेडिटेड इनटू योर अकाउंट, ठीक है। और डेबिट का मतलब क्या होता है, निकालना, तो मतलब ये पॉजिटिव बैलेंस दिया गया हमें, तो क्वेश्चन में है क्या, वही करेंगे हम, प्लस माइनस, तो इस बार पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5000 रुपीस, है ना। आगे बोला क्या गया है, चेक डिपॉजिटेड वर्थ 2000 रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक। अब हमें पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, देखो हुआ क्या, उन्होंने प्रॉब्लम बताई है कि जब चेक डिपॉजिट हुआ 2000 रुपीस का, तो हमारे जर्नल एंट्री में होना क्या चाहिए था,
2000 रुपीज हमें डेबिट करने चाहिए थे बैंक अकाउंट को, बैंक अकाउंट को क्या करना चाहिए था, डेबिट करना चाहिए था 2000 रुपीज से, लेकिन हमने एरर किया, एरर क्या किया, बैंक को क्रेडिट कर दिया 2000 रुपीज से, बैंक को क्रेडिट कर दिया 2000 रुपीज से। मतलब पहली गलती क्या करी हमने, 2000 रुपीज को ऐड ही नहीं करा उन्होंने, पासबुक सोच रहा है कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से, पासबुक सोच रहा है कैश बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई कैश बुक ने 2000 रुपीज ऐड ही नहीं करा, लेकिन जो मैंने कर दिया है तो मैं माइनस कर देता हूं। इधर पासबुक का पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, कैश बुक का उधर खड़ा है वो, पासबुक सोच रहा है कि भाई उसने 2000 रुपीज ऐड नहीं किया, जो मैंने कर दिया है तो मैं माइनस कर देता हूं। फिर उसने 2000 रुपीज क्रेडिट कर दिए, क्रेडिट कर दिया मतलब माइनस और कर दिए एक्स्ट्रा। पहले तो डिपॉजिट वाले ऐड नहीं करे, पहली गलती, बल्कि दूसरी गलती क्या करा, क्रेडिट कर दिया मतलब अमाउंट को और कम कर दिया, तो मैं 2000 रुपीज को और कम कर लेता हूं, तो ये टोटल हो जाएगा ये 5000, ये 4000, डिफरेंस कितने अमाउंट का आया, 1000 रुपीज का। तो ये 1000 रुपीज क्या हो गया हमारा, बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। और ये क्या होगा हमारा, डेबिट अमाउंट या क्रेडिट अमाउंट, तो ये हमारी रहेगी डेबिट अमाउंट, क्योंकि ये वाली साइड बड़ी है, मतलब बैंक का हमारा जो अमाउंट होगी कैश बुक के अकॉर्डिंग वो होगी डेबिट में 1000 रुपीज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 1000 रुपीज डेबिट में, ठीक है। ये हमारा आज लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे मुझसे पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स पे पूछ दीजिए, अगर पॉसिबल होगा तो मैं वहां आंसर दूंगा। और हमेशा की तरह एक लास्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स पे करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ कैश बुक, अ पार्ट ऑफ बैंक अकाउंट, अ पार्ट ऑफ पासबुक, और नन ऑफ द अबव। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जो हमने स्टेटमेंट बनाई है वो किसका पार्ट है, कैश बुक का, बैंक अकाउंट का, पासबुक का, या किसी का भी नहीं। तो किस में हमारा ये आता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। अब अगले सेशन में मिलेंगे थर्सडे 2 PM, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।